The Life and Death of King John, a history play by William Shakespeare, dramatizes the reign of John, King of England. The Life and Death of King John, William Shakespeare का एक इतिहास नाटक जो इंग्लैंड के राजा जॉन के शासनकाल एक हजार एक सौ निन्यानवे से एक हजार दो सौ सोलह तक इंग्लैंड के हेनरी ली के बेटे और एक विटेन के एलिनोर और इंग्लैंड के हेनरी के पिता के शासनकाल का नाटक है ऐसा माना जाता है कि इसे 1590 के दशक के मध्य में लिखा गया था लेकिन 1623 में फर्स्ट फोलियो में छपने तक इसे प्रकाशित नहीं किया गया था किंग जॉन फ्रांसीसी के खिलाफ युद्ध के बाद दावा करता है कि उसके भतीजे के बजाय राजा होना चाहिए जॉन का चर्च के साथ संघर्ष है अपने भतीजे की मृत्यु का आदेश देता है और खुद के खिलाफ रईसों को बदल देता है अंत में जॉन जहर से मर जाता है फ्रांसीसी पीछे हटता है और उसका बेटा राजा बन जाता है अधिनियम एक सारांश राजा जॉन और उनकी माँ रानी एलेनोर एक फ्रांसीसी राजदूत को शुभकामनाएं देते हैं फ्रांसीसी राजा फिलिप ने जॉन के भतीजे आर्थर की ओर से अंग्रेजी सिंहासन का दावा करने के लिए राजदूत को भेजा फिलिप खुद सिंह हासन में आर्थर के दावे का समर्थन और समर्थन करता है जॉन और एलेनोर दूतावास को अस्वीकार करते हैं और फ्रांस युद्ध की धमकी देता है कुछ ही समय बाद रॉबर्ट और फिलिप फॉल कनेब्रिज अपने परिवार की विरासत के विवाद को सुलझाने के लिए राजा के पास आते हैं फिलिप के बड़े होने पर विरासत के कानून में भ्रम है लेकिन एक नाजायज बच्चा है अपनी चर्चा के दौरान एलेनोर का दावा है कि फिलिप जॉन के दिवंगत भाई रिचर्ड कोयरी डे लायन लायनहार्ट हार्ट का हरामी बेटा है फिलिप ने फ्रांस में रानी एलेनोर की सेना में शामिल होने के पक्ष में अपने फालकोनाब्रिज विरासत को जाने देने का फैसला किया उन्हें नाइट और सर रिचर्ड की उपाधि दी गई। उनकी माँ लेडी फॉलकनब्रिज उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए पहुँचती हैं। लेकिन वह निजी तौर पर स्वीकार करती है कि रिचर्ड कोई रोडे शेर फिलिप के पिता थे अधिनियम दो सारांश फ्रांस में राजा फिलिप और उसका दरबार अंग्रेजी सिंहासन के लिए आर्थर के दावे के लिए लड़ने का संकल्प लेते हैं वे अंग्रेजी के स्वामित्व वाले शहर एंगल्स पर हमला शुरू करते हैं किंग जॉन फ्रांसीसी सिंहासन पर अपना अधिकार जताने के लिए आता है और किंग फिलिप एक बार फिर से आर्थर को समर्थन देने का वादा करता है एलेनोर ने अपने बेटों के दावों के बारे में आर्थर की मां कॉन्स्टेंस के साथ बहस की रईस उनके बीच शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं ह्यूबर्ट, एंगर्स शहर के प्रवक्ता को दावों के बीच न्याय करने के लिए कहा जाता है ह्यूब कहते हैं कि जो भी सिंहासन जीतता है उसका समर्थन करेगा युद्ध में जीत होती है लेकिन दोनों सेनाएं जीत का दावा करती हैं, जबकि न तो वास्तव में जीत होती है डंडा एंगर्स अपना रुख बनाए रखता है लड़ाई में कोई सहारा नहीं होने के बाद हरामी फिलिप सुझाव देते हैं कि वे एकजुट होते हैं और एंगर्स को उनके निर्णय के लिए दंडित करते हैं प्रवक्ता ह्यूब अब अचानक विचारों से भरा हुआ दोनों देशों को एकजुट करने के लिए जॉन की भतीजी ब्लेंट और फ्रांसीसी डुपिन लुइस के बीच शांति विवाह का प्रस्ताव रखता है जॉन फ्रांस के भीतर दहेज के रूप में पांच अंग्रेजी प्रांतों का वादा करके मैच का समर्थन करता है लुई और ब्लैंच सहमत हैं। और जॉन आर्थर की मां को शांत करने के लिए आर्थर को एक महान उपाधि देते हैं कमी ने फिलिप जॉन की कप्तानी को एक बेकार समझौता मानते हैं और खुद के लिए धन का पीछा करने का संकल्प लेते हैं अधिनियम तीन सारांश कॉन्स्टेंस नए एंग्लो फ्रेंच गठबंधन और उसके बेटे की खोई हुई विरासत के बारे में बताता है आर्थर खुद शांति की कामना करते हैं और ब्लैंड की शादी के दिन कॉन्स्टेंस बहस जारी रखता है पोप के लिए दूतावास पर कार्डिनल पांडोल्प शादी की पार्टी को बाधित करता है वह कैंटरबरी के, के नए आर्कबिशप को स्वीकार करने से जॉन के इनकार करने पर सवाल उठाता है पोप की दूर की शक्ति की आलोचना और इनकार करने के बाद जॉन को बहिष्कृत कर दिया गया है किंग फिलिप मूल रूप से जॉन के विरोध में संकोच के कारण उसके और जॉन के बीच नवगठित संबंधों के कारण है लेकिन पंडोल्फ जॉन को विरोध करने के लिए किंग फिलिप को मनाता है और उसे कार्यालय से हटा देता है डंडा आगामी युद्ध में किंग जॉन प्रिंस आर्थर को पकड़ लेता है और उसे इंग्लैंड में ह्यूबर्ट की देखभाल के लिए ले जाता है एलेनो बास्टर्ड फ्रांसीसी युद्ध जारी रखते हैं जॉन ने ह्यूबर्ट एस को समझा दिया कि आर्थर को मरना चाहिए क्योंकि वह जॉन के सिंहासन के लिए बहुत अधिक खतरा है किंग फिलिप और लुइस ने एंगर्स और प्रिंस आर्थर के नुकसान पर शोक व्यक्त किया अपने बेटे के खोने पर व्याकुल कार्डिनल को दो शीट हराता है और खुद को पूरी तरह से दू ख देता है कार्डिनल ने लुइस को इंग्लैंड पर हमला करने के लिए उकसाया जबकि देश उथल पुथल में है वह फिलिप को बताता है कि फिलिप सिंहासन के लिए दावा करता है राजा जॉन के निर्देशन में ह्यूबर्ट को आर्थर को मारने का आदेश दिया जाता है अधिनियम चार सारांश ह्यूबर्ट पहले राजकुमार को अंधा करने की धमकी देता है और फिर अपनी जान लेने के लिए कहता है लेकिन जब लड़का दया की याचना करता है ह्यूबर्ट उसके बजाय उसे छिपाने का फैसला करता है राजा जॉन ने अपने दरबारियों के साथ सहमति व्यक्त की जो आर्थर की स्वतंत्रता के लिए पूछते हैं यह जानकर कि ह्यूबर्ट को उसे मारने का आदेश दिया गया था एक दूत फ्रांस से समाचार लाता है एलेनोर और कॉन्स्टेंस दोनों की मृत्यु हो गई है कॉन्स्टेंस ऑफ मैडनेस डंडा और लुइस इंग्लैंड पर आक्रमण करने की धमकी दे रहा है बेस्टर्ड समर्थन जुटाने में अपनी सफलता के बारे में बताता है एक कैदी कोल आता है जिसे जॉन तुरंत ह्यूबर्ट की देखभाल में कैद करता है ह्यूबर्ट जॉन को बताता है कि आर्थर मर चुका है अपने रईसों के लिए बहुत गुस्सा और गुस्से में है जिनमें से कई लुई को अपनी घेराबंदी में शामिल होने के लिए जाते हैं जब जॉन ही पर गुस्सा हो जाता है तो वह इनकार करता है कि उसने हत्या को अंजाम दिया है इस बीच महल की दीवारों से कूदकर आर्थर ने खुद को मार लिया और जो अपने शरीर को ही और जॉन को दोष देते हैं उनमें से अधिक जॉन के खिलाफ विद्रोह में लुई से जुड़ते हैं अधिनियम पांच सारांश जैसे ही फ्रांसीसी सेना लंदन की ओर बढ़ती है दोषपूर्ण प्रभुओं से मजबूत होकर जॉन सुरक्षा के बदले में चर्च के वर्चस्व को जन्म देता है जॉन की ओर से पंडोल लुइस के साथ बात करता है लेकिन लुइस बह नहीं जाएगा राजा की सेनाओं का नेतृत्व करने वाला बास्टर भी विद्रोहियों के साथ शांति के लिए मुकदमा करता है लेकिन युद्ध की परवाह किए बगैर जॉन बीमारी से ग्रस्त है एक अभय की शरण चाहता है एक युद्ध के बीच में एक मरते हुए फ्रांसीसी भगवान मेलुन अंग्रेजी के लॉर्ड्स को दोष देते हुए बताते हैं कि वे गलत पक्ष में शामिल हो गए हैं वह उन्हें अंग्रेजी सेनाओं में वापस जाने की चेतावनी देता है क्योंकि लुई की योजना है कि अगर फ्रांसीसी जीत जाए तो उन्हें मार डाले ह्यूबर्ट बास्टर को खबर के साथ ही ढूंढता है कि किंग जॉन को जहर दिया गया है रईसों ने जॉन के बेटे हेनरी को जॉन की मौत का गवाह बनाने के लिए अभय के पास लाया बास्टर्ड ने अपनी सेना को बहुत खो दिया है लेकिन विरोधी पक्ष अंततः पंडोल्फ की सलाह लेता है और अपने हमले को रोकता है प्रिंस हेनरी अब किंग अपने पिता को दफनाने का आदेश देता है जबकि बास्टर्ड पूरे इंग्लैंड में शांति की घोषणा करता है सारांश का अंत धन्यवाद